खबर चुनार से है। दशहरे का पर्व मनाते हुए दिखे लोग, रावण का किया गया दहन। राघवेंद्र रामलीला कमेटी द्वारा मनाया गया विजयदशमी दशहरे के पर्व पर आचार्य जी, जहाँ की राम और रावण का युद्ध होता है, जब युद्ध प्रारंभ हुआ तभी इंद्रदेव अपना रौद्र रूप में दिखाई पड़े। बारिश होने के कारण राम और रावण के इस युद्ध में राम की विजय होती है और असत्य पर सत्य की विजय होने के उपरांत वहां उपस्थित सभी में भी श्री राम के जयकारे से पूरा वातावरण गुंजमान हो उठा। आपको बताते चले कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से लंका दहन नहीं हो पाया था। इस बार सभी को आशा थी कि मिला बहुत अच्छे तरीके से होगा, लेकिन बारिश हो जाने के कारण सबके आशाओं पर पानी फिर गया। लेकिन परंपरा निभाते हुए इसी तरह लंका दहन के बाद रावण राम युद्ध में रावण की पराजय हुई और इस तरह रावण का अंत राम के हाथ हुआ। राम के जयकारे के साथ सीता को रावण के लंका लेकर भगवान श्री राम उन्हें वापस पा लेते हैं। मेले में आए हुए भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उसे देखते हुए प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी पर दिखाई दी। चुनार से सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट।